नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नालसा और बिहार स्टेट विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसको लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समारोह पूर्वक हुआ, जिसका उद्घाटन भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सडालसा अध्यक्ष रूपेश देव, जिलाधिकारी सडालसा उपाध्यक्ष सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, एडीजे प्रथम अरविंद कुमार शर्मा और डालसा सचिव ज्योति कुमारी समेत कई न्यायाधीश और न्यायिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन रमन कर्ण ने किया, जबकि मौके पर अमित कुमार, तुलिका कुमारी, प्रदीप कुमार समेत कई कोर्ट कर्मी, अधिवक्ता और काफी संख्या में पक्षकार मौजूद रहे। वहीं भागलपुर डालसा के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिले में कुल 26 बेंच बनाए गए, जिसमें से भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में 18 बेंच, नवगछिया कोर्ट में 6 बेंच और कहलगांव कोर्ट में 2 बेंच पर न्यायिक पदाधिकारी और पक्षकारों की मौजूदगी में सुनवाई पूरी की गई। वहीं इस दौरान सुलहनीय आपराधिक मामलों और पारिवारिक विवाद के अलावा बैंक, बीमा, बीएसएनएल, बिजली विभाग समेत कई विभाग से जुड़े सुलहनीय लंबित मामलों और वादों की सुनवाई न्यायिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में सम्पन्न हुई। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के भागलपुर न्याय मंडल में कुल 3092 लंबित मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया, जबकि आपसी सहमति से 8,61,69,751 रुपये की राशि पर समझौता हुआ। शिविर में मोटर दुर्घटना बीमा विवाद पात के 12 वादों का निष्पादन हुआ, जिसमें 1,02,90,000 रुपये की राशि पर समझौता हुआ, जबकि 1,527 लंबित सुलहनीय आपराधिक मामलों का निष्पादन किया गया। बीएसएनएल से जुड़े 20 मामलों का निष्पादन हुआ और बिजली से जुड़े 234 मामलों का निष्पादन हुआ। साथ ही बैंक से जुड़े 1,266 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें 5,60,31,670 रुपये की राशि पर समझौता हुआ। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ज्योति कुमारी, भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अलग अलग कोर्ट के एडीजे, एसीजीएम समेत कई न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता और कोर्ट कर्मी के अलावा काफी संख्या में न्यायालय कर्मी एवं विभिन्न जगहों से आए पक्षकार मौजूद रहे। अदालतों का आयोजन विभिन्न स्तरों पर लगातार हो रहा है और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हैं। उसी के आलोक में जितने भी पक्षकार हैं यहाँ उपस्थित होकर के एक एमिकेबल जो उसका सॉल्यूशन होता है विभिन्न वादों का, जो बहुत सालों से विभिन्न कारणों से लंबित रहते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है लोक अदालत, जहाँ उन वादों का निष्पादन होता है और जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में सारे जितने हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण हैं और जो प्रशासन का भी जो सहयोग है, उसके सहयोग से आज की ये लोक अदालत काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी और बहुत सारे वादों का जो है निष्पादन आज अपेक्षित है। भागलपुर में इन दिनों आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे आम लोगों के बीच काफ़ी दहशत का माहौल बनता जा रहा है। लूट एवं हत्या जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी आसानी से फरार हो जाते हैं और पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताज़ा मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी पंचायत अंतर्गत भंगाबाद के समीप का है, जहां अपराधियों ने किसान की निर्ममता पूर्वक हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। वहीं इस घटना की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बन गया। दरअसल सुल्तानगंज के भंगा बांध के समीप शनिवार की सुबह जब ग्रामीण अपने खेत में काम करने पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति का शव देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी सुल्तानगंज पुलिस को दी गई। वहीं इसके बाद मौके पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। मृतक की पहचान मिरहट्टी गाँव के वार्ड नंबर 5 निवासी फूचो यादव के 35 वर्षीय पुत्र विनय यादव के रूप में हुई है। इधर घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि अपराधियों ने गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी है, जबकि मृतक का प्राइवेट पार्ट भी जला दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के छानबीन में जुट गई है। वहीं थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है और जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। तो विनय यादव का अपना जमीन 4 बीघा है, यहाँ अपना बोरिंग है, अपना भी पटवन करता था, दूसरे को भी पानी देता था, बहुत किसान का जीविका चलता था। ये रातों को पटवन होता था तो आ जाता था, अब रात में इसको कैसे कौन क्या किया
तो लोग हम लोग तो यह गांव वाला तो क्या में तो क्या लगता है मुखिया जी इस तरह का जो घटना घटना हुआ है तो किसी तरह का रंजिश का घटना है सब। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग वैजानी पेट्रोल पंप के समीप शनिवार की अहले सुबह दो ट्रक में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक चालक और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि बाइक को बचाने के क्रम में दोनों ट्रक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक और ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर इसकी सूचना मिलते ही बाईपास टीओपी थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम को घटनास्थल पर भेजा, जहाँ बाईपास पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को मायगंज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। इधर इस घटना के बाद देखते ही सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे काफी मशक्कत के बाद करीब 3 घंटे बाद पुलिस द्वारा हटवाया जा सका। लेने के लिए मैं जा रहा था तो एक गाड़ी श्री वाहन के साइड से और एक जगदीशपुर के साइड से आ रहे थे, जिससे बाइक एक क्रॉस किया, जिससे जो ट्रक चालक जो है अपना काबू खो दिया और दोनों आपस में टकरा गए। फिर हमने जो है देखा मतलब कि एक्सीडेंट के बाद हम तुरंत बाईपास थाना को संपर्क किए, उन्होंने फोर्स भेज कर हम पर काबू पा लिया और जो भी मतलब कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था उसको हॉस्पिटल भेज दिया। मानवाधिकार सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय के भागलपुर जिलाध्यक्ष सुमन सौरभ टीएमयू के लोक नायक पुरुष छात्रावास 4 में रह रहे सभी छात्रों के साथ कई समस्याओं को लेकर शनिवार को विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान काफी लंबे समय से पीजी छात्रावास में पानी की समस्या से जूझ रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय में जाकर जब अधिकारियों से मिलने की बात कही तो पहले वहाँ मौजूद गार्ड और कर्मियों द्वारा पदाधिकारी के नहीं होने की बात कर मिलने से रोक दिया गया, जबकि इस दौरान पूरे परिसर में काफी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई, जो छात्रों को किसी भी कार्यालय में घुसने और समस्या बताने से रोकते रहे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से पीजी छात्रावास के छात्रों से मुलाकात हुई, जहाँ हॉस्टल की समस्या को छात्रों ने कुलसचिव के समक्ष रखा। वहीं छात्रों की बात सुनकर रजिस्ट्रार ने इस व्यवस्था की काफी निंदा करते हुए कहा कि यह शर्मनाक स्थिति है और पानी हो या किसी भी तरह की समस्या छात्रों को हॉस्टल में नहीं होनी चाहिए। साथ ही संबंधित अधिकारी से फोन पर बात कर इस समस्या का समाधान कराने का भरोसा छात्रों को दिया। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ नमामि गंगे घाट पर झारखंड
कोडरमा से मुंडन कराने अपने समूह के साथ पहुंची महिला गंगा स्नान के दौरान अचानक गंगा घाट से गायब हो गई। इसके बाद महिला के परिजनों द्वारा आसपास में काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन महिला का कोई पता नहीं चल सका। वह इसके बाद मामले की सूचना सुल्तानगंज थाने को दी गई जिसके बाद थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने इसकी सूचना SDRF टीम को दी और आनंद फानन में मौके पर पहुंची SDRF टीम के गोताखोर द्वारा गंगा में महिला की तलाश शुरू कर दी गई। हालांकि काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गोताखोरों को सफलता हाथ नहीं लगी और महिला का कुछ भी पता नहीं चल सका। इधर लापता महिला के परिजनों का कहना है कि कोडरमा के चंदीडीह गाँव निवासी पिंटू राणा अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ मुंडन करवाने सुल्तानगंज अजगैवीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा घाट आए हुए थे लेकिन मुंडन संस्कार के बाद वे सभी गंगा स्नान कर देवघर जाने वाले थे। तभी पिंटू राणा की 30 वर्षीय पत्नी ललिता देवी वहां से गायब हो गई और काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब उनका कुछ पता नहीं चला तो परिवार वालों ने गंगा नदी में डूबने की आशंका जताई और इसकी सूचना पुलिस और SDRF की टीम को दी। हालांकि महिला की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ हमें सूचना मिला है 9:30 बजे सुबह जैसे डूबने का जैसे सूचना मिला वैसे हम लोग बोट लेकर के आकर घाट पर सर्च अभियान शुरू कर दिया है। ये महिला 35-40 साल के 30-35 साल के मानिए ना 30 साल ये लोग बताए 30 साल के महिला है और वो नहाने के क्रम में नीचे डूब गई है। किस घाट में? सुल्तानगंज के जहाज घाट पे नमामि गंगे घाट तो वहाँ डूबी है और सर्च अभियान SDRF के मोटर बोट के द्वारा जारी है। कितने परिवार आए थे आप लोग? हम लोग करीब 50-60 परिवार है। एक अल्ट्रा बस पूरा उधर के आए। मुंडन उंडन हो चुका था, सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया था तो पंडित जी बोले लास्ट में क्या स्नान कर लीजिए हमारे पटा लिए फिर निकलिए आप लोग। वही स्नान करने गए उसी दरमियान कहाँ अंदर बाहर चले कोई पता नहीं। ये 8:15 बिहपुर के पप्पू सिंह निषाद जनता दल यू के प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। इसके पूर्व पप्पू सिंह निषाद पार्टी में 2 बार प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन को अपनी सेवा दे चुके हैं। इसको लेकर निषाद सार्वजनिक भवन औलियाबाद में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता मड़वा ग्राम पंचायत पूरक की मुखिया उषा निषाद ने किया। वहीं पार्टी द्वारा मिले सम्मान को लेकर पप्पू सिंह निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संगठन ने उन पर जो भरोसा और विश्वास जताया उसके लिए CM समेत सभी वरीय नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े वंचित शोषितों और बहुजन समाज के उत्थान के लिए वो सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। अभिनंदन समारोह में समाज सेवी रमेश प्रसाद सिंह, भाकपा नेता हिमांशु सिंह, अधिवक्ता संजय कुमार सिंह, टिंकू पासवान समेत काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।